विक्रांत जी कैसे हैं? मैं बहुत हैंडसम हूँ। वो तो आप है ही है। थैंक यू। एक नई फिल्म की शुरुआत की गई है, कुछ बताएंगे फिल्म के बारे में और अपने किरदार के बारे में? जी हाँ, जैसा कि नाम है फन मौजी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूँ, बट मैं सच बता रहा हूँ कि बालकृष्ण जी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, बहुत ही यूनिक होता है। और हर एक जो चीज़ है बहुत ही बारीकी के साथ वो लिखते हैं, और जैसे वो पोर्ट्रे करते हैं, जब आपको कहानी नरेट करते हैं, तो इतना आनंद आता है, इतना मज़ा आता है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर हम लोगों ने अच्छा काम किया, बिना अच्छा किया, तो आप लोग ही बहुत इन्जॉय करेंगे। जी सर, आप बताइए कुछ फिल्म के बारे में। ये फिल्म हमारे दो हीरो हैं इसमें, इनका डबल रोल है और आकाश हैं, इनके साथ भी दो हीरोइनें हैं, इनके साथ भी दो हीरोइनें हैं। ये बताना जरूरी है, ये बताना बहुत जरूरी था, इनके साथ भी दो हीरोइनें, उनके साथ भी दो हीरोइनें हैं। और ये फुल सर, दो दो की बात, शायद ये दूसरी फिल्म भी है इनके साथ आपकी। हाँ, मेरी दूसरी फिल्म है, दूसरी फिल्म, लेकिन उसमें एक हीरोइन थी, इसलिए इसमें ज्यादा है। और ये पूरा एंटरटेनमेंट मूवी है, काफी है, और बहुत हम लोग इस पे वर्क किए हैं। और अच्छा, देखिए काफी साल से मुझे लगता है कि इसमें काफी समय से लगा हूँ मैं, और अभी जाके प्रॉपर इनके थ्रू, इनके भैया हैं अपना सुधीर भैया हैं, उनके थ्रू हम लोग पिक्चर का शुरुआत कर रहे हैं। विक्रांत भाई, नाम बड़ा यूनिक है, मैंने मन मौजी सुना था, लेकिन ये फन मौजी है, ये क्या चीज है, जरा आप बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, जैसे मैंने बालकृष्ण जी ने बोला कि हमने टाइटल रखा है फन मौजी, तो मेरे भी जहन में यही आया था कि यार मैंने मन मौजी, हम लोग बोलते हैं, ये फन मौजी, तो ये मुझे लगता है क्रेडिट इनको जाता है। और इन्होंने जो इमोजी बना के रखा हुआ है, आपने देखा होगा शायद, इस पे है कि नहीं है, है ना, वो देखिए, तो ये बहुत ही स्मार्टली हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं, इन्होंने किया है। और वाकई में टाइटल बहुत ही कैची टाइटल है ये। क्या है फन मौजी बालकृष्ण जी? मन मौजी सुना था, फन मौजी क्या है? फन ही फन है, हर एक एंगल पर कहीं ना कहीं मजा है। ये देखिए, आज का जो टाइम है ना, मुझे लगता है कि लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, कोई भी हो। और सिनेमा ही एक ऐसा माध्यम होता है जो थोड़ा सा अपने आप को रिलीफ दे पाते हैं हम लोग, तो उसी को अगर मैं बोलूं तो कहीं ना कहीं ये जो मूवी है, ये जो स्टोरी है, लोगों को काफी मतलब हंसाएगी, तो डेफिनेटली इसको हम लोग फन मौजी हाँ, यही बोल सकते हैं। पूरा पिक्चर के अंदर ही फन ही फन है, हर जगह, गांव से शहर जाते हैं, वहां भी पूरा पुलिस स्टेशन के अंदर भी इनका पूरा ही मजा ही मजा है, मजा ही मजा है, मजा ही मजा है, सजा भी है, सजा भी है। मजा के साथ ही सजा, सजा, करेक्ट करेक्ट। अच्छा, संगीत क्या होगा इसके अंदर, किस तरह का संगीत, और आज जो है संगीत में मुहूर्त हो रहा है आपका? हाँ, तो संगीत इसमें अच्छे हैं, रोमांटिक भी है, कॉमेडी भी है, मस्ती भी है, टाइटल के साथ ही गाने हैं। आज जो संगीत हो रहा है, कौन गायक है, किसने लिखा है, कुछ उस बारे में भी डिटेल? इसके लिरिक्स है विशु, और म्यूजिक दिया है मुराद पुरी जी, और सिंगर अभी उनका तो नाम मुझे अभी नहीं मालूम। आपकी सारी फिल्मों में गाने बहुत शानदार होते हैं, कितने गाने होंगे? गाने 7 गाने हैं जी। बाकी कलाकार भी यहाँ मौजूद है, उनके बारे में बताइए और उनसे भी हम सवाल करेंगे। सबके बारे में तो मैंने बता ही दिया था, सब तो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू जी। जी मैम, बताइए कितनी एक्साइटेड है अपनी इस फिल्म के लिए? हेलो, आप सबको पहला मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं फर्स्ट टाइम सर के साथ काम कर रही हूँ, और सर ने जब स्टोरी बताई फन मौजी के बारे में, तो मैं वाकई में बहुत एक्साइटेड हूँ, और फर्स्ट टाइम मैं इस टीम से जुड़ी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें जो हमारे आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम कर रही हूँ, तो मैं वाकई में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जी। जी, आपसे भी जाना चाहेंगे, मेरे ख्याल से आपकी शायद सर के साथ दूसरी मूवी होगी जी। और कितना कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, और कैसी बॉन्डिंग है आपकी? मैंने सर के साथ फ्रेंकली स्पीकिंग बैक कैमरा भी काम किया है, और फ्रंट कैमरा भी है, एज अ डेब्यू है ये मेरी मूवी समझिएगा, ऐसे वर्सेटाइल एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत लकी है बात मेरे लिए। और जैसा कि आप लोग मूवी के बारे में जानते हैं, सर तो कॉमेडी के मास्टर हैं। उनकी हर एक जो कॉन्सेप्ट होता है कॉमेडी को लेकर, वो बहुत ज़्यादा ही हंसता हुआ चेहरा इनका है, वो पर्दे अंदर बाहर दोनों साइड है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। सर क्या कहना चाहेंगे फन मौजी को लेकर और अपने किरदार को लेकर? हेलो, मेरा नाम आकाश गहरवार है, और जब पहली बार मैंने बालकृष्ण जी के मुंह से फन मौजी का नाम सुना, उसकी स्टोरी सुनी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये कॉन्सेप्ट स्पेशली मुझे करना चाहिए, बिकॉज उनका जो कैरेक्टर डिज़ाइन था, जो स्टोरी पे उन्होंने वर्क किया है,
और जो मेहनत उन्होंने स्क्रिप्ट पे की है वो कुछ ऐसा था कि मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर इसे मैं नहीं किया तो फिर आगे मैं कुछ और अच्छा कर पाऊँ या नहीं, ये बाद में मैं सोचूंगा, लेकिन ये ज़रूर करना चाहिए मुझे। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का लिखा हुआ है और उनकी स्टोरी लाइन स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और मैं सर को बेस्ट विशेस देना चाहूँगा अपनी तरफ से। और सर एक्चुअली मैंने सर का पहले भी वर्क देखा हुआ है जो विक्रांत जी के साथ है। अरे नहीं नहीं, मैं सॉरी इंटरफेयर कर रहा हूँ। आकाश जो है बहुत ही टैलेंटेड है और मैं बता रहा हूँ, जब मुझे बालकृष्ण जी ने बोला कि मैंने बोला कि भाई दूसरा हीरो कौन है, मतलब हमारे साथ जो बहुत, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत मैटर करती है, एक आप कितने भी अच्छे कलाकार हो अगर सामने वाला थोड़ा सा इधर उधर किया तब गए। तो इन्होंने जैसे नाम बताया तो मैंने बोला यस, मैंने तो देखा है और बहुत सारे रियलिटी शो में मैंने आकाश को देखा है एंड मुझे लगता है कि गॉड गिफ्टेड है इनको, जो है बहुत अच्छा है, जो जिनका कॉमिक सेंस है बहुत कमाल का है और सब कुछ अच्छा रहा तो हम डेफिनेटली एक अच्छी जोड़ी बना के निकालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बेसिकली ऐसा है कि सर का कंटेंट बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत कमाल का है, ओवरऑल अगर फिल्म में सारे आर्टिस्ट अगर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो फिल्म बहुत ही कमाल की निकल के आने वाली जी। जी मैम क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? हेलो नमस्ते, मेरा नाम धारणा शर्मा है, मैं नेपाल से हूँ और सबसे पहले सर का कॉल आया मूवी के लिए तो 4-5 महीने पहले मिले थे शायद, हाँ, तो उसके बाद बहुत गैप हो गया तो मुझे लगा कि शायद नहीं होगा, तो फिर 3-4 दिन पहले मुलाकात हुई दूसरी तो सारी चीज़ें फाइनल हुई। जैसे ही सर ने स्टोरी के बारे में मुझे बताया कि मेरा किरदार इसमें इंस्पेक्टर का रहेगा तो वहीं पे मुझे ऐसा हो गया कि मुझे एक कैरेक्टर करना है, क्योंकि बहुत पहले से मुझे ऐसा था कि मुझे ऐसा कैरेक्टर करना है, तो सर ने बताया फन मौजी के बारे में तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और थैंक यू सो मच सर मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, धन्यवाद, बहुत मेहनत करूँगी और नहीं करेंगे, सब लोग करेंगे। जी मैम बताइए कि पैसा कितना लगा रही हैं? नहीं नहीं हमको बोलना चाहिए एक्चुअली में, देखिए मुझे लगता है कि बिलीव करना बहुत मैटर करता है, क्योंकि मैं भी पैसा लगा चुका हूँ, फिल्में बना चुका हूँ तो मैं जानता हूँ, एज ए प्रोड्यूसर भी जानता हूँ सारी चीज़ें, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं हमें। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोग निराश नहीं होंगे और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आप एक नहीं करीब 10 फिल्में बनाएंगे हमारे साथ। हमारे बेस्ट विशेस हैं आप लोग के लिए, बच्चे लोग बहुत अच्छा लगा यहाँ के, थैंक यू, बहुत अच्छे, रियली ऑल द बेस्ट टू यू एंड आई बिलीव कि हिट जाएगी मूवी जी, 100% फिल्म की शुरुआत को लेकर पूछ लेते हैं, कब से शुरू हुई बालकृष्ण जी फिल्म? ये नवंबर मौजी कब से शुरू? इसमें कलाकार बहुत है जी, डेट का थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है लेकिन फिर भी हम लोग नवंबर में इसको स्टार्ट कर देंगे और होली में इसको हम रिलीज कर रहे हैं होली के समय। कहाँ शूट करना चाहते हैं? मुंबई है, दमन है एंड गोरखपुर। अच्छा, तीन अलग अलग लोकेशन, अलग अलग लोकेशन। विक्रांत भाई फिल्म के बारे में कुछ और आप ऐसा बताना चाहें जो मैं नहीं पूछ सका या फिर जो आपको लगे कि इस फिल्म के बारे में मुझे कहना चाहिए, बालकृष्ण जी के बारे में कहना चाहिए, इस टीम के बारे में कहना चाहिए? फर्स्ट थिंग कि मैं पहली बार डबल रोल करूंगा किसी मूवी में, और मैं बताऊं अंदर से मैं एक्चुअली मैं विलन ही हूँ, मतलब हाँ मैं विलन हूँ, तो इसमें एक जो किरदार ऐसा है जो विलन होता है तो वो मुझे, मतलब नो डाउट लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा कॉमिक सेंस बहुत अच्छा है जो भी है, तो वो तो चीज़ है बट जो मेरे अंदर का एक है ना जो गुंडा बोलते हैं लोग, वो मैं चाह रहा हूँ कि अभी तक किसी को दिखा नहीं होगा, इनको भी नहीं पता होगा, तो वो मैं मुझे लगता सबसे खतरनाक करके निकलूँगा, तो ज़्यादा एक्साइटेड मैं वहाँ से भी हूँ। और नो डाउट हम लोग दूसरी बार जुड़ रहे हैं तो एक अपने अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है कि भाई आपने कुछ अच्छा किया होगा कि दैट्स व्हाई आपको सेकंड कॉल आ रहा है। और बहुत प्यारी टीम है, पहली बात तो ये है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बोलने की ज़रूरत नहीं है, अभी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, अभी सिनेमा मोस्टली लोग मोबाइल पे टीवी पे जिस कदर लग के देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म को कई बार रिपीट करके जब उनका माइंड में स्ट्रेस हो सारी चीज़ें तो लोग देखेंगे। चलिए डन, हाँ चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।